हेलो फ्रेंड्स, मैं लूमा सिंह। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज बनाते हैं ओरियो बिस्किट से एकदम मस्त सा केक। उसके लिए मैंने लिया था, मेरे पास 3-4 पैकेट पड़े थे छोटे वाले ओरियो के, वो ले लिए थे मैंने। उसमें मैंने 2-3 रस पड़े थे मेरे पास, जो हम लोग रस खाते हैं चाय के साथ वो। और फिर उसमें मैंने 2 कप छोटे वाले दूध मिक्स कर दिया था और फिर इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लिया था। और ये पेस्ट मैंने फिर एक बाउल में निकाला और उसके बाद मैंने एक कुकर में ग्रीसिंग की ब्रश के हेल्प से, और बस उसमें नीचे मैंने देसी घी लगाया था, आप चाहे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इस पेस्ट में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास चोको पाउडर मिक्स किया था और 1 चम्मच मीठा सोडा। उसके बाद इसको खूब अच्छे से मिक्स करके मिला लिया मैंने। जब ये अच्छे से मिल गया फिर इसको मैंने कुकर में पलट दिया। और मेरे पास थोड़े बिस्किट थे इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया, आप ज़्यादा बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें चीनी भी मिक्स कर सकते हैं आप चाहें तो। और इसके बाद मैंने गैस पर सिम करके तवा रख रखा था, तवे के ऊपर ये कुकर रखा और ढक्कन की विसल मैंने निकाल दी थी। तो जब ये हो गया तो उसके बाद मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद देखिए मैंने ये इसको खोल के देखा है और इसमें चाकू लगा के देखा और एकदम से साफ चाकू निकला, तो इसका मतलब है कि आपका केक तैयार है। फिर इसे मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा था, तो जब ये ठंडा हो गया एकदम से उसके बाद ही मैंने इसको प्लेट में डाला था। देखिए कितने अच्छे से बनाए, एकदम स्पंजी सा फूल के ऊपर आ गया है। और बस फिर मैंने क्या किया, इसको चाकू की हेल्प से साइडों से किया और देखिए कितना अच्छा केक निकल के तैयार हुआ है। मैंने बहुत छोटा सा केक बनाया था क्योंकि बिस्किट बहुत कम थे मेरे पास, आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। देखिए कितना स्पंजी है, एकदम अच्छे से दब रहा है। और बस देखिए कितना, मतलब जो बिस्किट पड़े थे उनका यूज़ हो गया और एकदम मस्त सा केक बन गया। तो आप चाहें तो आप भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं अच्छे से। और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा चोको पाउडर रखा था, उसको मेल्ट करके इसके ऊपर लगा दिया। मैंने थोड़ा ही लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाते हैं, आप इसे खूब अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बनाया एकदम से सिंपल सा केक। थैंक यू।